हेलो गाइस, माय नेम इज़ दिव्या। दिव्या किचन में आज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हाउ टू मेक बेसन का हलवा। तो फ्रेंड्स, बेसन का हलवा बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की इसी प्रकार की आपके मैं नोटिफिकेशन पहुँचाते चलूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे सामग्री ले ली है। यहाँ पे मैंने 7 स्पून शुगर ली है, आप इसे भी ले सकते हैं। और 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है यहाँ पर, क्योंकि हम बेसन पकौड़ा बना रहे हैं। 2 चम्मच घी लिया है मैंने, और मैंने यहाँ पे मेवा लिया है। इन सब का मेजरमेंट मैंने घर की स्पून में, मतलब जो हम डेली यूज़ करते हैं, होम में जो स्पून यूज़ करते हैं, मैंने वही लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर रखी, गैस की फ्लेम जो मैंने मध्यम कर रखी है। अब मैंने यहाँ पे ले रखा है एक पैन। अब हम इसके अंदर गिरेंगे घी, ये सारा घी हम इसके अंदर गिर देंगे। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो घी है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर गिरेंगे बेसन। अब जो गैस की फ्लेम होगी, हमें मध्य नहीं रखनी है, नहीं तो ये काफ़ी लेट सिकेगा। तो मैं इसकी जो आँच है वो कर देती हूँ इतनी, हमें इतनी ही रखनी है गैस की फ्लेम। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रखिए, बेसन के अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो जब आप हलवा खाएंगे तो आपको, जब आप खाओगे तो लम्स रहेंगे। तो लम्स नहीं आने चाहिए, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले घी के अंदर। अगर घी कम पड़े तो आप ले सकते हो, बाकी मैंने तो आपको सामग्री बता चुकी ऑलरेडी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो बेसन है वह घी के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो हम इसको खाली जब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर बादामी कलर नहीं हो जाता, और थोड़ा सा और हमें डार्क लेना होगा। दोस्तों, ये जो बेसन का हलवा आपको चलाते रहना है, अगर आप बीच में छोड़ दोगे चलाना तो ये चैट जाएगा, लग भी सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ठीक 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट में इसने अपना कलर देना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 1 गिलास पानी गिरेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी गिर लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। दोस्तों, अब इसके अंदर हम चीनी गिरेंगे और इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। जब हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, जब हम इसके अंदर हमारा जो मेवा हमने जो लिया था वो इसके अंदर गिरेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले रखी है इलायची। अब इस इलायची को हमने यहाँ पे गिरेंगे, और मैंने स्वाद अनुसार ले रखी है, इससे क्या फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। दोस्तों, अब हम इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इलायची को, और जब तक हम इसको खदकने देंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि आप इसकी अभी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना पतला है अभी ये। हमें इसको गाढ़ा करना है, क्योंकि हलवा तो हमारा गाढ़ा ही होता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर हम पंचमेवा गिरेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गाढ़ा हो चुका है देखिए। तो अब हम इसके अंदर पंचमेवा गिर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको पकाएंगे, ताकि जो पंचमेवा है हमारी वो भी अच्छी तरह से पक जाए। अब हम तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बेसन का जो हलवा है वो बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और किसी एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो बेसन का हलवा वो बनके रेडी हो चुका है, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम की पिसा हुआ बादाम गिर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।